कौन भाई? अरे क्या बोल भाई, बढ़िया ना? कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा था। मंदिर जा रहे हो? चलो भाई जान, मैं छोड़ देता हूँ आपको। ठीक है ना भाई, चलिए। कौन है वो? दोस्त है भाई। किसके साथ आए? मेरे साथ। क्यों? ये जो लोग हैं ना, ये कभी किसी के नहीं होते भाई। कौन से किताब में लिखा है वो किसी के नहीं होते? और एक बात, दोस्ती में कोई जात और धर्म नहीं होती, समझा भाई? भाई ये जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, एक दिन देखना तू खुद पछताएगा। चलना जा। तू क्या कर रहा है यहाँ भाई? दोस्त आया था इसलिए। दोस्त आया तो तू क्या कर रहा है यहाँ? क्यों भाई, आ नहीं सकते क्या? तू बाहर खड़े रहे, अंदर कैसा है? किससे पूछ के आया तू? भाई दोस्त ने लाया। तो दोस्त ने आया तो बाहर क्यों नहीं रुका तू? चल बाहर हो, निकल, फालतू बातें मत कर, इसके बाद नजर नहीं आना यहाँ पर, सीधा निकल जाए यहाँ से। कहाँ जा रहा है? अरे बता क्या हुआ? कुछ नहीं ना। अरे बता यार। क्यों भाई, हम यहाँ आ नहीं सकते क्या? आ सकते यार, क्यों ऐसी बात कर रहे तू? यार उन्होंने तो बाहर निकाल दिया। किसने? इन्होंने बाहर निकाला तुझे? हाँ ना भाई। चला इधर। किसने निकाला? हाँ भाई, आपने इसे बाहर निकाला? हाँ मैंने निकाला। क्यों निकाला है? तुझे पता कौन है वो? इंसान है, दूसरी जाति का है वो। तो क्या हुआ? अरे रुकिए भाई जान, तो क्या हुआ? दूसरी जाति के लोग यहाँ नहीं आ सकते। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो जनाब? मुझे मत सिखा। जब ये अल्लाह के वली जिनका दरबार है, यहाँ पे हर जात का इंसान यहाँ पर आता है, जब वो फैज़ और शिफा देने में जात धर्म पात को नहीं लाते, तो तुम और हम कौन होते लाने वाले? मुझे दीन सिखाने की जरूरत नहीं है तुझे। जनाब आपको दीन सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे मत सिखा। आपको ही दीन सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, समझे? ले जाओ और आइंदा यहाँ पर लाना। आइंदा भी लाऊंगा जनाब, और आप जरा सा दीन सीखिए, इस्लाम क्या कहता है वो सीखिए आप। ऐसी लोगों की वजह से धर्म बदनाम है जनाब। ए छोड़ो ना भाई, मैं माफी चाहता हूँ यार, बहुत दिमाग खराब हो गया यार भाई। अरे छोड़ो, वैसे मेरे से क्या मांगा आप? कह रहे थे ना आपका भाई आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है, बस उसी लिए दुआ किया। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए बैठिए जनाब। हाँ भैया बोलिए। कहाँ हो? नहीं यार, जेसी गाइडेंस में आया था। अरे आपको कुछ बताना था। बताइए ना। आप वही रुकिए, मैं उधर ही आ रहा हूँ। जी जी ठीक है, ठीक है जी।
अरे आइए आइए भाई, जरा आइए सुनाइए। आप पहले मुंह मीठा करो। अरे मुंह मीठा तो कर दिया, पहले खुशखबरी सुनाइए। किस बात की खुशखबरी? आपकी दुआ कबूल हो गई भाईजान। कौन सी भाईजान? हमारे भाईजान आर्मी में लग गए। अरे यार, तो ये तो बड़ी प्यारी खुशखबरी सुनाइए आपने। लीजिए पेड़ा खाइए आप भी। और कब जा रहे हैं फिर? उनकी कल की टिकट है। जी जी, तो उनको छोड़ने जाना है अपन दोनों। जी जी बिल्कुल, चलेंगे। जी जी बिल्कुल यार, आपने बहुत सही में ये खुशखबरी सुना के आपने दिल खुश कर दिया। चलिए इंशाल्लाह आपके और आगे भी दुआएं कबूल होए। और भैया कैसा? अरे कहाँ जा रहे तुम? क्या भाई? भैया को छोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ? भैया को आर्मी में जॉब लग गई ना। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो। कौन दोस्त है क्या? हाँ दोस्त है भैया। कितना टाइम है गाड़ी आने में? 5-1 मिनट होंगे। आजाद भारत के इतिहास में सेना पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पूरा देश उबल रहा है पाकिस्तान से बदला लेने की आवाज। चलाई गई, दुकानें खाक कर दी गई। देखा, मैं तो तुम लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि ये लोग किसी के हो नहीं सकते। जिन्होंने तेरे भाई को मारा है ना, और जिनके साथ तू घूमता है, ये सब एक ही लोग हैं। आज तेरा भाई मारा है, लेकिन इन लोगों की वजह से हमेशा हमारे कितने भाई मरते हैं। ये मुसलमान किसी के नहीं हो सकते। वो देख आ गए। यार मैंने जो भी सुना बहुत गलत हुआ, और भाईजान मैं आपके साथ हूँ भाई।
गया था ना तू, तुझे पहले ही समझाया था, मत जा भाई, वो किसी के नहीं होते वो भाई, अरे नहीं होते किसी के, तुझे सोनू लाल समझा रहा था मैं, मत जाया कर उनके साथ, उनसे दोस्ताना करना अच्छा नहीं है यार मेरे। फैसला क्या करूंगा ये, नहीं तो हम भाई क्यों मारने जा रहे हैं, इन लोगों की वजह से तेरा भाई मरा है और आज ये तुझे मार रहे थे भाई, उनके वजह से मेरा भाई नहीं मारा है, मेरा भाई मारा है वो सड़क के उस पार जो बैठे हैं ना, उनके वजह से मेरा भाई मारा है, दुश्मन ये नहीं, दुश्मन वो है भाई मेरे। अगर तुमको लड़ना है ना तो उनसे लड़ो, अपने को साथ में रह के लड़ना है उनके साथ, उनसे बदला लेना है भाई। तुम इन्हें मारना क्यों जा रहे हो? अरे भाई ये हमें आतंकवादी समझते हैं, हमें आतंकवादी नहीं समझते, ये भी हमें अपना ही समझते हैं। जब तक हम इन्हें अपना नहीं समझेंगे ना, तब तक ये भी हमें अपना नहीं समझेंगे। हम इसी देश में पैदा हुए हैं, यहाँ की मिट्टी में हर किसी का खून मिला हुआ है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुस्लिम का हो, मुस्लिम हिंदू के बिना अधूरे और हिंदू मुस्लिम के बिना अधूरे, ये बात अपने दिमागों में डाल लो आप लोग। और अपन हिंदुस्तानी है भाई, हमें एक साथ रहना है, अपने जितने जवान हमारे ना और हमारे धर्म हमें अमन शांति और सुकून सिखाते हैं, फिर भी आप लोगों को लगता है तो लड़ लीजिए आपस में।